बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देन स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन बाय द ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आज हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहले हम कुछ जनरल बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायोटेक के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम कोरिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जीन्स का ट्रांसफ़र करना और डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन को बनाना। तो जीन्स का ट्रांसफ़र क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी होता था, पहले भी कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग। ट्रेडिशनल कुछ टेक्निक्स हैं जिसके अंदर क्या करते थे, डिफरेंट एनिमल्स का क्रॉस करते थे, डिफरेंट प्लांट्स का क्रॉस करते थे और डिज़ायर्ड वैरायटी को प्रोड्यूस करते थे। जैसे कोई मान लो कोई वीट की वैरायटी है गेहूं की, मान लो एक वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है, दूसरी वैरायटी ऐसी है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, और आप चाहते हो कि दोनों ही एक ही वैरायटी में आ जाए, ठीक है। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इस तरह के क्रॉस किए जाते थे। एनिमल के अंदर भी ऐसे डिज़ायर्ड वैरायटी के लिए क्रॉस किए जाते थे। लेकिन जब टारगेट स्पेसिफिक है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पर हम कई प्रॉपर्टी ऐसी होती थी जिसको हम नहीं चाहते थे, वो भी वहाँ पर शो हो जाती थी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक के अंदर स्पेसिफिक जीन्स के ऊपर फोकस किया जाता है, वही जीन आइसोलेट की जाती है और होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम वो एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र करके उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती है, और मल्टीपल कॉपी तैयार करके हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक एडवांस स्टेप है। अगर देखें, हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल ही सेम बनता है, क्लोन बनता है, लेकिन उसके अंदर वेराइटीज नहीं आती। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा नई वेराइटीज जनरेट होती है, न्यू कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा एडवांस माना जाता है। लेकिन हम यहाँ पर न तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात डिटेल में पढ़ेंगे या न ही एसेक्सुअल, हम बात करेंगे स्पेसिफिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आज के समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, जीन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जीन को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और उसकी क्लोनिंग भी कर सकते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी बनाना, एग्जैक्टली, तो उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करना। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब जो होता है, रिकॉम्बिनेंट कहे तो इसका मतलब ये होता है, मान लो यहाँ पर कोई डीएनए ए है और दूसरा डीएनए है बी, ठीक है। आप दोनों इन दोनों को मिलाकर अगर कुछ नया डीएनए बनाते जिसके अंदर दोनों डीएनए है, तो ये जो नया डीएनए है ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या नॉर्मली हम कहते हैं हाइब्रिड डीएनए। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिज़ायर्ड डीएनए, और यू कैन से व्हेन वी मिक्स वन और टू और मोर डीएनए एंड न्यू डीएनए ऑब्टेन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो नया डीएनए बनेगा वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसको हम हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। जैसे आज के समय पर बहुत सारे व्हीकल ऐसे होते हैं जिसमें पेट्रोल भी होता है या सीएनजी होता है, या डीजल के साथ सीएनजी होता है, तो वो क्या है, हाइब्रिड, जिसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं और नया कॉम्बिनेशन बना। लेकिन यहाँ पर डीएनए में भी हमने क्या किया, दो डिफरेंट डीएनए को मिलाया और जो नया डीएनए बनाया, दैट इज़ नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। एक तो हो गया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक और वर्ड आता है यहाँ पर, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वर्ड को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज़ पूरे बायोटेक के अंदर है। प्लाज्मिड के बिना बायोटेक अधूरा है, ये मान सकते हो। बायोटेक की सक्सेस का रीज़न भी प्लाज्मिड है, और दूसरा रीज़न है आरी। आरी का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। कैचिया, सीजर मतलब कैची, कट करना। पहले तो मान लो प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक तो अपना उनका मेन डीएनए होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, और मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल डीएनए, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और इसके अंदर खासियत क्या होती है कि ये ऑटोनॉमसली अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, यानी अपनी जो कॉपीज को बढ़ा सकता है। इट कैन इंक्रीज इट्स कॉपी बाय इट्सेल्फ, इसमें अपनी खुद की क्लोनिंग साइट होती है, खुद का अपना ओआरआई साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, और ये अपना नंबर खुद से बढ़ा सकता है। तो ये प्लाज्मिड जो होता है उसका उसकी खुद की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उससे उसको मतलब नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा डीएनए, इसलिए इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये इसका मान लो ये इसका मेन डीएनए, ठीक है। तो प्लाज्मिड का यूज़ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ये एक तरह से वेक्टर का काम करता है। वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसफर करने वाला एक तरह से, जैसे कि मान लो मलेरिया है, ठीक है, मॉस्क्यूटो के काटने से मलेरिया होता है, इवन डेंगू भी होता है, बहुत सारी डिजीज होती है। तो क्या वो डिजीज खुद मॉस्क्यूटो करवा रहा है? नहीं, मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम के कारण। तो मॉस्क्यूटो ने क्या किया, मॉस्क्यूटो एक्ट एज अ वेक्टर, वो ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। मान लो किसी पर्सन को मलेरिया है तो वहाँ से वो स्पोरोजॉइट्स को उठाकर दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, तो वो एक तरह से वेक्टर का काम करता है, ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पर प्लाज्मिड का जो यूज है वो होता है एज अ वेक्टर। जो भी हम डिजायर्ड डीएनए है हमारा, जो भी मान लो ये डीएनए, ठीक है, अगर आप चाहते हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना, तो आप क्या करोगे, पहले आप किसी प्लाज्मिड के अंदर उसको ट्रांसफर करोगे, यानी उसके अंदर उसको मिक्स करोगे। प्लाज्मिड के अंदर मिक्स करने के बाद आप क्या करोगे, उसको पर्टिकुलर होस्ट के अंदर जहां पर उसका आपको नंबर बढ़ाना है, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करोगे। जैसे मान लो आपने ये वाला डीएनए यहां ट्रांसफर कर दिया, होस्ट के अंदर होस्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये इजीली रेप्लिकेट हो जाए। होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद होस्ट के अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज, जो मैंने ये बनाई, मल्टीपल कॉपीज बन गई और अपना जो प्रोडक्ट है वो भी मल्टीपल हो गया। तो अपना प्रोडक्ट क्या था, ये डिजायर्ड जीन को अपने को बढ़ाना। क्यों बढ़ाना, क्योंकि आगे चलकर उसे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से हम अपना एंटीबायोटिक बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो प्लाज्मिड का मतलब समझ लेना एक, तो उसके बाद आदि का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर मतलब कींचिया। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड के तो आप डीएनए ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन डीएनए को हमेशा स्पेसिफिक साइट पर कट करना होता है। जैसे ये डीएनए, अगर मान लो इसको स्पेसिफिक साइट पर कट करना है, तो कट करने के लिए यहाँ पर कुछ कैंचियाँ चाहिए, कैंचियाँ, आरी, आरी मतलब आप समझते हो एक आरी होती है काटने वाली, तो यही ये भी क्या एक तरह का आरी है, आरी चलाना। आरी हमेशा स्पेसिफिक साइट पर कट करेगा, कट करने के बाद हम उसको अपना जो प्लाज्मिड होगा, वेक्टर होगा, उसके साथ हम उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। हम ये सारी चीज़ें बार बार डिटेल में देखेंगे, मैं आज सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ क्या हो रहा है। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी का या यूँ कहें बायोटेक की सक्सेस के दो रीज़न पूछे तो आपको ये बताना, एक तो प्लाज्मिड जो वेक्टर का काम करता है, और दूसरा है आरई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिकुलर सीजर्स विच कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे इस, यहाँ पर मैंने क्लियर एक डायग्राम बनाया है, उसके अंदर आप इसको ईजिली समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, सबसे पहले डिस्कवरी की थी कॉन एंड बॉयर ने, ये आपको याद रखना है, कॉन एंड बॉयर 1972 में, कॉन एंड बॉयर ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए की डिस्कवरी का हो या उसको बनाया था, ठीक है। कॉन एंड बॉयर ने कौन सा प्लाज्मिड यूज़ किया था, आपको याद रखना है कॉन एंड बॉयर ने यूज़ किया था प्लाज्मिड ऑफ द साल्मोनेला टाइफी मोरियम। तो उन्होंने यूज़ किया था साल्मोनेला टाइफी मोरियम का प्लाज्मिड, कॉन एंड बॉयर ने साल्मोनेला प्लाज्मोडियम का टाइफी मोरियम का प्लाज्मिड यूज़ किया था। अब यहाँ पर हम इसकी स्टेप्स देखते हैं, यहाँ पर जो स्टेप्स दे रखी है वो बहुत ही क्लियर है। सपोज़ ये कोई डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है या डिजायर्ड सेल है, जिससे कि आप अपना उसके अंदर जो डीएनए है या आपका टारगेट या डिजायर्ड डीएनए है, इसको आप चाहते हो कि इसका बहुत सारा प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस डीएनए को आइसोलेट करोगे, जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ दिख रहा है, इट इज़ द डिजायर्ड डीएनए, और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इट कंटेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कोई एंटीबायोटिक होता है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, आपको जैसे बताया है पेनिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, नियोमाइसिन, दीज आर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक।
अगर उस एंटीबायोटिक का असर ना हो, हम ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म में उसको इंसर्ट करें, इंसर्ट करने के बाद उसमें रेजिस्टेंट डेवलप हो, तो ये कहलाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दिस इज़ वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो आपने क्या किया, पहले तो डीएनए को अलग किया, ठीक है, इसको कहते हैं आइसोलेशन, डीएनए को अलग किया। अब ये पूरा डीएनए आपके काम का नहीं है, आप चाहते, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए जिसको अपन कहते हैं जीन, पर्टिकुलर जीन चाहिए। तो आप क्या करोगे, अलग करने के बाद कट बाय द आरई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करोगे। कट करने पर क्या हो जाएंगे, उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। अब आप चाहते हो उस फ्रेगमेंट्स को होस्ट में ट्रांसफर करना, तो सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीमोरियम का जो एक बैक्टीरिया है का प्लाज्मिड यूज किया था कॉन एंड बॉयर ने। कॉन एंड बॉयर ने क्या किया, इस बैक्टीरिया से जो आपको रेड कलर में दिखला ये प्लाज्मिड, तो उसको प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, तो यहाँ पर भी आइसोलेशन। नाउ आइसोलेट करने के बाद उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होगा। ये स्टेप आगे लेक्चर में दोबारा आएंगे, बेसिक स्टेप में मैं फिर बताऊंगा। तो कट करने के बाद प्लाज्मिड को भी कट किया, कट करने के बाद क्या हुआ, दोनों को आपको जोड़ना है। पहले तो आपने क्या किया, एक प्लाज्मिड हो गया, एक डिजायर्ड डीएनए का, दोनों को कट करके ले आए। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है, दोनों को जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए एंजाइम आता है डीएनए लाइगेस। लाइगेस एंजाइम जो है हमेशा जोड़ने का काम करता है। आरएनए लाइगेस होगा तो आरएनए को जोड़ेगा, डीएनए लाइगेस होगा तो डीएनए को जोड़ेगा। नाउ यू विल जॉइन द दिस बोथ डीएनए बाय यूजिंग द डीएनए लाइगेस। उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये रेड कलर का जो पोर्शन है ये तो हो प्लाज्मिड का पार्ट, ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ये है अपना डिजायर्ड डीएनए। दोनों आपको एक में ही दिख रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं आरडीएनए, शॉर्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से हमने क्या किया, देखो दोनों डीएनए को मिला दिया और इस तरह से इन विट्रो लैब के अंदर हमने तैयार किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहां तक खत्म नहीं होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आगे हमें होस्ट में ट्रांसफर करना है। तो होस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें वो प्लाज्मिड अपना नंबर बढ़ा सके, यानी उसके जैसा होना चाहिए जहां पर वो सक्सेसफुल अपना नंबर बढ़ा सके, अपना कॉपी नंबर बढ़ा के क्लोनिंग कर सके। यहां पे होस्ट लिया गया है इकोलाई। इकोलाई का पूरा नाम होता है इशरशिया कोलाई, ठीक है। तो इशरशिया कोलाई जो है वो आपको याद रखना है, इकोलाई। इकोलाई ऐसे होस्ट लिया है, देखो तो ये इकोलाई है, उसका मेन डीएनए, उसका प्लाज्मिड भी होगा नो डाउट, पर यहाँ पर मैंने शो किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसके अंदर ग्रीन और रेड दोनों मिक्स आपको कलर लग रहे। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, क्लोनिंग होगी, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनेंगी जिसको हम कहते हैं क्लोनिंग। तो जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाता है हमेशा उसके साथ जो उसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है उसकी लाइन में ही उसको ऐड किया जाता है। ये मैं आगे लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, इसलिए अभी सिर्फ आप याद रखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक साइट होती है, वैसे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है लेकिन आपको सब पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिन करता है, स्टार्ट होता है। इसके अंदर ही हम नए डीएनए को इसलिए इंसर्ट करते हैं क्योंकि जब मेन डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, जो ये रेप्लिकेशन करेगा रेड वाला, तो उसके साथ साथ ग्रीन वाला भी अपना रेप्लिकेशन कर देगा, तो इसलिए उसके साथ साथ में उसकी भी कॉपीज तैयार हो जाएंगी। तो ये है हमने क्या देखा आज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सिर्फ अभी हमने बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक नहीं देखी, जो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि बेसिक स्टेप ऑफ बायोटेक में क्या क्या होता है। तो आज हमने क्या देखा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, दो डीएनए को मिलाकर जोड़ने से नया डीएनए बनता है, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले कॉन एंड बॉयर ने डिस्कवरी की थी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए सबसे जरूरी होता है एक तो प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो उसको कट करने का काम करता है। दोनों का यूज करके डीएनए लाइगेज से जोड़कर नया डीएनए बनाते हैं। नया डीएनए बनाने के बाद हम उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, होस्ट में। होस्ट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें वो बहुत कॉपीज बनाए। होस्ट का मतलब वो होता है जो होस्ट करे, जो खुद प्रोडक्ट बना सके, क्योंकि उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो अधिक से अधिक प्रोडक्ट देगा। हमें क्या चाहिए, अधिक से अधिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे होस्ट लिया गया इकोलाई, जबकि प्लाज्मिड किसका है, साल्मोनेला का, लेकिन वो उससे मिलता जुलता है इसलिए इकोलाई लिया है, और इकोलाई बेस्टली ग्रो कर सकता है इसलिए इकोलाई लिया गया है, ठीक है। फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार होना, दैट इज नोन एज क्लोनिंग। एक जैसी कॉपीज बनना उसको कहते हैं क्लोनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर डी एन ए विल रेप्लिकेट इट सेल्फ एंड इट विल क्रिएट मेनी
मोर आइडेंटिकल कॉपीज विच इज नोन एज क्लोनिंग। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, क्लोनिंग हो गई। क्लोनिंग के बाद हमने अपना प्रोडक्ट बना दिया। तो आज हमने क्या सीखा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले किसने बनाया और कैसे बनाया। तो सो दैट्स ऑल फॉर अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू।